सालेपुर नाबालिका दुष्कर्म और हत्या मामलें दोषी सब्यस्त होता मोहम्मद मुस्ताक को आज दंडादेश हो आज दंडादेश शुणाइबे पॉक्सो कोर्ट दफा 302, 376 और पॉक्सो आक्टे दोषी सब्यस्त हो मोहम्मद मुस्ताक 21 अप्रैल 2018 घटना घटी सालेपुर रायसुंगुड़ा गांव जड़े नाबालिका को दुष्कर्म पर तंटी चिपी हत्या करने को उद्यम कर अभियुक्त संकटापन्न अवस्था पीड़िता कटक एससीबी भर्ती कर एससीबी 13 जणिया डाक्तरी टीम नाबालिका चिकित्सा करते 8 दिन संघर्ष पर 29 अप्रैल 2018 अपराह 5 आखि बुझी पीड़िता एवं से ही घटन गतकाली राय प्रकाश पाई इस संपर्क में अधिक सूचना देवाई फोनलाइन में जोड़ी होती कटक प्रतिनिधि देवी प्रसाद महांति देवी गत काली राय प्रकाश पाई जे से दोषी सब्यस्त होती आज दंडादेश अच्छे केत शुणा हे जहां आम पाखे तथ्य रही मधु जे आज फास्ट हाफ रे कोर्ट अर्डर प्रनाउंस करे दोषी को प्रकार दंड विधान जहां सरकारी वकिल आम को गत काली सूचना दे सारी मुख्यतः जो तीनोटी दफा उपरे आरोपी दोषी सब्यस्त हो प्रथम होची 376A(b) जहां दुष्कर्म कर प्रमाणित हो सारी दफा 302 हत्या कोर्ट रे प्रमाणित हो सारी पॉक्सो आक्ट जो रोच छे नाबालिका मान प्रति जो प्रकार अत्याचार व दुष्कर्म ये तीनोटी जाक कोर्ट रे प्रमाणित हो सारी तेणु से ही आधार में दंडादेश हम जहां आम विधान रही व्यवस्था रही प्रकार दफार जदि जड़े दोषी सब्यस्त होने मृत्यु पर्यंत जहां को पूर्व कहला जावज्जीवन कारादंड से भाई गोटे दंडादेश होपे नचे फाशी दंड पारे ये दुईटी जाक जहां रही प्रावधान रही से प्रकार किसी राय आसो कि ये अदालती मामला ता किसी भी कहवाटा ठीक हेब ना किंतु जहां सरकारी वकिल आमको सूचना देखो आधार कर आरोपी विरुद्ध में प्राय 6 दफा लगी 500 पृष्ठ संबलित चार्जसीट दाखल कर पुलिस घटनार 19 दिन पर जहां बोध हुए गोटे गिरह घटना कहुए कारण ये प्रकार गोटे घटना घटा कटक जिला प्रथम थी और अत्यंत संवेदनशील मामला था कारण गोटे निर्दिष्ट अंचल और गोटे निर्दिष्ट वर्गर लोक मैंने रुहती विभिन्न प्रकार उत्तेजना प्रकाश पाई द्वितीय कथा हो पाखापाखि 46 जनकर बयान रेकर्ड कर तदंतकारी संस्था से भितर 23 जन अदालत साक्ष्य प्रदान करते तेणु पुलिस जहां जहां एविडेन्स कोर्ट में प्रड्यूस कर साक्षी मान बयान ये दुईट जाक को आधार कर गत काली कोर्ट अभियुक्त मुस्ताक मोहम्मद को दोषी सब्यस्त करपेक्षा रही जहां सरकारी वकिल आमको सूचना देखते मध्यान 12 सुधा ये निर्देश आसपे जे दोषी की कौ प्रकार दंड विधान कर निश्चित भाव में कौ प्रकार दंड विधान वर्तमान अपेक्षा रही कारण जो सब दफा लगी आजीवन कारादंड ना फाँसी दंड से दंडित हो पारती अभियुक्त देवी आप खबर पर नजर रखु परवर्त समय अपडेट सहित जोजोग कर बहुत बहुत धन्यवाद देवी प्रसाद महांती रही प्रतिनिधि जी घटना संपर्क में अधिक सूचना देते।